पाठ सात। मदर टेरेसा। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जापानी बम वर्षक कलकत्ता यानी कोलकाता पर बम वर्षा कर रहे थे। तभी मुसीबत में और मुसीबत आई। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कलकत्ता की सड़कें भूख के मारे दम तोड़ते लोगों से भर गई। एक दिन कलकत्ता के लोरेटो स्कूल की प्रधानाध्यापिका एग्नेस ने देखा, सड़क के किनारे भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति दम तोड़ने वाला है। उसकी दशा देखकर एग्नेस का हृदय पसीज उठा। उसकी हल्की नीली आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन ने कहा, दुखी मानव की सेवा क्या भगवान से कम है? बस एग्नेस ने मरते हुए व्यक्ति को उठा लिया और सेवा करके उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। अब इग्नस का मन दीन दुखियों की सेवा करने को छटपटाने लगा और अंत में स्कूल की चार दीवारी से निकलकर गरीबों की सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया। इग्नस ने अब अपना नया नाम रखा, टेरेसा, जिसे आज हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इग्नस का जन्म सन 1910 ईस्वी में यूगोस्लाविया में हुआ था। उनके पिता निकोल्स दुकान करते थे। बालिका इग्नेस को बचपन से ही धर्म से गहरा लगाव था। 18 वर्ष की अवस्था में वह आयरलैंड में लोरेटो नन संगठन में सम्मिलित हो गई। एक वर्ष बाद ही उन्हें कलकत्ता भेजा गया। यहाँ उन्होंने लोरेटो स्कूल में पहले अध्यापिका और बाद में कुछ वर्ष प्रधानाध्यापिका का कार्य सफलतापूर्वक किया और फिर अपना सारा जीवन ही दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब टेरेसा को अपना मनपसंद कार्य क्षेत्र मिल गया था। वह गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ना सिखाती और गरीबों की सहायता करती। कई बार ऐसा होता, जेब के सब पैसे गरीबों में बट जाते और ट्राम के किराए के लिए कुछ भी न रहता। जब वह डेरे पर पैदल ही लौटती, लेकिन टेरेसा जी जान से दरिद्र नारायण की सेवा में जुड़ी रही। धीरे धीरे उनका सेवा संगठन बहुत बड़ा बन गया। अब संसार के 50 से भी अधिक देशों में उनकी शाखाएं हैं। धनी लोग गरीबों की सहायता के लिए अपनी इच्छा से टेरेसा के सेवा संगठन को धन दान देते हैं। सन 1982 ईस्वी में 30 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की वस्तुएं इस संगठन ने गरीबों में बांटी। टेरेसा ईसाई धर्म में विश्वास रखती थी, लेकिन गरीब चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, वे सभी की समान रूप से सेवा करती थी। टेरेसा का कहना था कि गरीबों में भी जो सबसे अधिक गरीब है, उनकी सहायता की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने गरीबों के लिए अनेक अस्पताल खोले, अनाथ बच्चों के पालन के लिए आश्रम स्थल बनाए तथा निर्धन महिलाओं के काम सीखने के लिए केंद्र खोले, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। टेरेसा एक साहसी और निर्भीक महिला थी। उनकी वृद्धावस्था ने उनके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली। सेवा कार्य करते हुए वे बड़े से बड़े खतरों से भी नहीं घबराती थीं। बेरूत शहर पर इजरायली तोपों की गोलाबारी के बीच भी वे बेधड़क होकर सेवा कार्य करती रहीं और अनेक अनाथ बच्चों की उन्होंने रक्षा की। संसार के किसी भी भाग में युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी जैसा कोई भी संकट हो, मदर टेरेसा वहीं साहसपूर्वक आगे बढ़कर सहायता करती थी। बूढ़ी मदर का कहना था, यदि चंद्रमा पर भी गरीब रहती हूँ तो उनकी सहायता के लिए मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ। मदर सादा जीवन, उच्च विचार रखती थी। वे कलकत्ता में एक छोटी कोठरी में रहती थी, फर्श पर सोती थी, सवेरे 4 बजे उठती थी, दिन भर काम में जुटी रहती थी। उन्हें फर्श की सफाई तक अपने हाथ से करते देखा जा सकता था। वे 20-20 घंटे काम करती थी। रात में मुश्किल से 3-4 घंटे सोती होंगी। वे पहनने के लिए 2 धोतियां रखती थी। उनका खान पान भी गरीबों जैसा था। एक समय में 2 चपातियां और उबली हुई सब्जी। मदर गरीब एवं रोगी लोगों में भगवान के दर्शन करती थी तथा गरीब और रोगी स्वयं उनको भगवान मानते थे।
टेरेसा के सेवा कार्य को संसार भर में प्रशंसा और सम्मान की प्राप्ति हुई थी। सन 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के लिए सर्वोच्च नोबल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। संसार के अन्य अनेक देशों में भी टेरेसा के महत्व को स्वीकार किया है। संसार में गरीब और दुखी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी सहायता के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता है। मदर टेरेसा का प्रयत्न सागर में एक बूंद के समान था। अन्य लोगों को भी टेरेसा के समान दीन दुखियों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए, तभी समाज में से निर्धनता को मिटाया जा सकेगा।